बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मार्बल केक की बहुत ही आसान सी रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनता है। बनाना इतना आसान है कि बच्चे भी आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो मार्बल केक बनाने के लिए मैंने एक अंडा लिया है। अंडे को मैंने बाउल के अंदर शामिल कर दिया है। अंडे को मैं अच्छी तरह बीट कर लूँगी। हाथ वाले बीटर की मदद से मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह फ्लफी सा बीट करूँगी। जी तकरीबन मुझे 2 मिनट हो गए अंडे को बीट करते हुए। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी शुगर पाउडर। ये मैंने ग्राइंडर में डालकर इसका अच्छी तरह पाउडर बना लिया। ये तकरीबन 1/4 कप है। चीनी डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से फिर 2 से 3 मिनट तक मैं इसको फिर से मिक्स करूँगी। जी तो चीनी को भी मैंने अच्छी तरह इसके अंदर बीट कर लिया। तकरीबन 3 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बटर। ये होममेड बटर है जो हम लोग घर में बनाते हैं, वो मैंने शामिल किया है। 3 खाने वाले चम्मच इसके अंदर मैंने बटर के शामिल किए हैं। अब बटर को भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ताकि कोई लम्स वगैरह ना बने। इसको भी तकरीबन मैं 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह बीट करूँगी। आप देख सकते हैं कि हमारा जो बटर है वो अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो चुका है। अब इस मिक्सचर के अंदर मैं दूध शामिल करूँगी। तकरीबन 1/2 कप दूध का है वो मैं इसमें शामिल करूँगी। रूम टेम्परेचर पर दूध था। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि दूध हमारा फ्रिज का ठंडा ना हो, ना ही जो हमने अंडा लिया है वो ठंडा हो। रूम टेम्परेचर पर हो सारी चीज़ें। बटर भी हमारा रूम टेम्परेचर पर था। सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे वनीला एसेंस। तकरीबन 2 ड्रॉप्स इसके अंदर मैं वनीला एसेंस के डालूंगी। उससे जो अंडे की स्मेल है वो नहीं आएगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी नमक 2 चुटकी। इससे जो केक का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लगता। इसको भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी मैदा 1 कप। मैदा हमने छान के शामिल करना है। जो आम हमारे घर में कप्स होते हैं वो वाला कप मैंने मेजरमेंट के लिए लिया है। 1 कप मैंने मैदा इसके अंदर शामिल किया है। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर। 1/2 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर शामिल किया है। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो केक का बैटर हम बनाते हैं उसको हमने एक ही साइड में मिक्स करना है। अभी मुझे केक का बैटर पतला लग रहा है, इसलिए मैं इसके अंदर 2 चम्मच मैदा और शामिल करूँगी। ये तकरीबन 1 कप और 2 चम्मच मैदा मैंने शामिल किया है। जी तो केक का हमारा बैटर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें से जो हाफ़ हमारा बैटर है केक का, उसको हम एक छोटे बाउल में निकाल लेंगे। हाफ़ हम निकाल लेंगे और हाफ़ के अंदर हम डालेंगे कोको पाउडर। तकरीबन 2 चम्मच इसके अंदर मैं कोको पाउडर शामिल करूँगी। कोको पाउडर शामिल करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। जी तो आप देख सकते हैं हमारा ये वाला बैटर भी तैयार हो चुका है। अब मैंने एक लिया शीशे का बाउल, इसको मैंने ऑयल से अच्छी तरह से चारों साइडों से ग्रीस कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 लेयर डालूँगी वनीला बैटर है जो उसकी, और 1 मैं डालूँगी चॉकलेट वाले बैटर की। इसी तरह सब लेयर्स हम लगा लेंगे। सारा बैटर मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी इसी तरह 1 बाय 1। बैटर शामिल करने के बाद इसका आप जिस तरह से मर्ज़ी डिज़ाइन बनाना चाहें बना सकते हैं टूथपिक की मदद से। जी तो आप देख सकते हैं कि टूथपिक की मदद से मैं किस तरह इसके अंदर लाइनें बना रही हूँ और कितना अच्छा हमारा फूल बन गया है। इसी तरीके से आप कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं इसके अंदर। अब इसको मैं हल्का सा टैप करूँगी। शीशे का बाउल है, इसको हल्का सा टैप करना है एहतियात के साथ। टैप करने के बाद इसको मैं रख दूँगी ओवन के अंदर। माइक्रोवेव के अंदर मैं इसको बनाऊँगी। माइक्रोवेव में इसको मैं 10 मिनट के लिए बेक करूँगी। वही टेम्परेचर होगा जिसमें हम लोग घर में खाना गर्म करते हैं, उसी टेम्परेचर पे मैं इसको 10 मिनट के लिए बेक करूँगी। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा केक किस तरह का बना है। माइक्रोवेव में केक बनाना बहुत ही आसान है। जी तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको केक निकाल के दिखाती हूँ कि हमारा केक जो है वो बना है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि हमारा केक कितनी अच्छी तरह से ऊपर तक आया, फूल चुका है। अब मैं आपको टूथपिक की मदद से चेक करके दिखाती हूँ।
अगर तो हमारी टूथपिक गीली हुई तो इसका मतलब है कि हमारा केक अभी कच्चा है। आप देख सकते हैं कि टूथपिक बिल्कुल साफ़ है, इसका मतलब है हमारा केक बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसको बाहर निकालूंगी। ये देख सकते हैं आप, सारी साइडों से मैंने इसको चेक किया, ये अच्छी तरह बन चुका है। अब इसको मैं पहले ठंडा करूंगी। ठंडा करने के बाद इसको हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा केक कितना अच्छा रेडी हुआ है, कितनी अच्छी तरह ये फूल भी चुका है और अंदर से है भी सॉफ्ट। अगर आप भी चाय के साथ कुछ मीठा खाने के शौकीन हैं तो आप 10 मिनट के अंदर ये केक बना सकते हैं। इतना इजी और इतनी आसान रेसिपी है ये कि बच्चे भी इसको आसानी से बना सकते हैं। केक बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।